वजीर आजम शहबाज शरीफ अज केपीके के जिले नौशहरा जो दौरो कह शहबाज शरीफ रक्षा इकोनॉमिक जोन फेज वन जो इफ्तिताह क आईटी एक्सपोर्ट के 20 अरब डॉलर तई वी वन चाहन था। एक्सपोर्ट ए सीड़पकारी में इजाफे के लिए समूरन वसीलन के कत बाणी रहा हूँ। मुआशी बहाली के कौमी मनसूबन के समूरन स्टेक होल्डर की हिमायत हासिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में सेमिनार के खिताब संदा चवण है तो मुआशी मनसूबन से अमल दरामद से मुल्क के खुशहाल बनाए वो सीड़पकार के वन विंडो तहत समूर सहूलतू फराम कई वो। यूक्रेन ए रूस के विच में तकरार के पुरअमन हल के लिए हर कदम की हिमायत कंदासी। तकरार सबब खुराक बारण ए बियन शयन जो बहरान पैदा थो जै सबब पाकिस्तान भी मुतासर थो। यूक्रेन के कें भी रीत हथियार फराम न पया कर खबरू बेबुनियाद ए गुमराह कंदड़ परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जी यूक्रेनी हमनसब से गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस संदा चवण है तो पाकिस्तान यूक्रेन विच में इक्तसादी व्यापारी जरिए दिफाई शोबन में सहकार मजबूत करते तफाक थो है। सियासी मकसद के लिए साइफर के इस्तेमाल से 14 साल कैद की सजा थी सके थी। न साइफर पब्लिक करे सकजे थो नई कैंसा शेयर करे सकजे थो। आजम खान के बयान में वाज है तो पीटीआई चेयरमैन पारा साइफर के कड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कह वो। कानून वारे वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस संदा चवण है तो चेयरमैन पीटीआई कौमी सलामती के नुकसान पहुँचा। साइफर के मामले से जाँच मैरिट से थी। 12 अगस्त से मुद्दों मुकम्मल थे असेंबली टुटी त 11 अक्टूबर का पैं आम चूडू कराए छींदी। पुरानी तकबंदियों से चूडू थी इलेक्शन के लिए वाटरमार्क पेपर वी छो है। डीआरओ आर ओ के लिए भी अदलिया से राबो कर वरतो है। आम चूडन के लिए मुकम्मल तैयार आयू। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल की मीडिया के ब्रीफिंग। डेरा मुराद जमाली के इलाके नौताल में अणियातल हथियारबंदन की घर से फायरिंग। औरत समेत बजणा कत्ल पुलिस वाके वारे हंध पहुंची मार्च वेलन जा लाश खणा अस्पताल पहुंचाया। खानपुर महर वेझो मसूवा के 50 फुट जो घारो पैजी वो। टे गोठ पानी हेठ अची व्या। मसूवा के गोठ नाड़ी गडाणी वट लगल घारे जो पानी बियन गोठन तरफ वधन लगो। तलहार वेझो गोठ फजल पठान वट मीरवा केनाल के 20 फुट जो घारो पैजी वो। घारे सबब सवें एकड़न ते बीठल फसल पानी हेठ लखें रुपयन जो नुकसान। इतला बावजूद आपाशी जो अमलो घारे वारे हंध न पहुतो। पानी तेजी से गोठ फजल पठान डां वधन लगो।